हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ जी। राम राम जी सभी को और गुड मॉर्निंग जी सभी को। अभी मॉर्निंग के 8 बज गए होंगे शायद, तो हमने चाय पानी पी ली है और सुबह की मैंने झाड़ू भी लगा दी है। और बाहर हो रही है बारिश, तो बाहर का मौसम ख़राब है। आपको दिखाऊँगी अभी बैक कैमरे से। और पानी वगैरह भी भर लिया है ताज़ा, और अभी बर्तन पड़े हैं सिंक में, बर्तन साफ करूँगी। देखूंगा आपको, देखिए बर्तन पड़े हैं। और अभी ये सो रहा है, उसका दूध गर्म करूंगी, फिर उसको उठाऊंगी। और अभी नाना धोना नहीं हुआ है, अभी मैं पोछा लगाऊंगी, बर्तन साफ करूंगी, उसके बाद में नहाएंगे और उसके बाद में बाकी का काम करेंगे। तो जी चलिए आपको मौसम दिखा देती हूँ। तो ये देखिए गाइज, मौसम सुबह सुबह कैसा हो रहा है। छांटे पड़ रहे हैं और मतलब बादल हो रहे हैं, और ऐसे लग रहा है जैसे बहुत तेज वाली बारिश आने वाली है, और अंधेरा छाया हुआ है बहुत तेज। सुबह सुबह का ही सीन है ये, और मैं अंदर से ही वीडियो बना रही थी जाली में से, खिड़की में से मतलब। तो और अभी हो गया है दोपहर का टाइम, तो अभी मैंने ये लौकी मतलब कद्दूकस कर ली है, तो मैं उसके कोफ्ते बनाऊँगी अभी, सब्जी कोफ्ते की, घिया कोफ्ते। और अभी मैंने लौकी कद्दूकस की है, और इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निचोड़ देती हूँ, नहीं तो फिर वो बेटर है ना, वो अच्छा नहीं बनेगा इसलिए। तो अभी मैंने बेसन डाल लिया है इसमें, बैटर में, सॉरी लौकी जो मैंने कद्दूकस करी हुई है उसमें। और इसमें डाल दूँगी अभी मसाले, और थोड़ी सी अजवाइन भी डालूँगी क्रश करके, और नमक मिर्ची, बस यही अपने नॉर्मल वाले मसाले डाल के। और पकौड़ियाँ उतार लूँगी इसकी, लौकी की कोफ्ते बना लूँगी मतलब। और ऐसे तो मतलब काट के बनाते ना सब्ज़ी लौकी की, तो अच्छी नहीं लगती है, पसंद नहीं आती है सबको, और ये कोफ्ते खा लेते हैं सभी, तो इसलिए मैंने कहा चलो कोफ्ते ही बना देती हूँ। और नवरात्रों में तो लहसुन प्याज का यूज नहीं हो रहा था, तो अभी तो लहसुन प्याज सब खा सकते हैं। तो मतलब लहसुन प्याज की एक आदत सी हो रखी है सब्जी में डालने की, तो वही है। और जब वो नहीं डालने होते हैं ना, तो फिर थोड़ा सा खाली सापन लगता है कि कुछ छूट गया है वही। तो ये देखिए मेरा ये बन गया है घोल, तो अभी मैंने अच्छे से इसको फेंट लिया है। और अभी तेल भी मेरा गर्म ही चढ़ा रखा है मैंने कढ़ाई में, और मैं यस्सू से बातें कर रही हूँ यहाँ पे। यस्सू खड़ा हुआ था यहाँ पर कैमरा लेकर, जबी हिल रहा है कैमरा थोड़ा। और तो बस अभी पकौड़ियाँ बना लेते हैं, और वीडियो थोड़ा सा काफ़ी मतलब काफ़ी तो क्या 3-4 दिन पुराना हो गया है, वही जो और मैं अभी कर रही हूँ। और ये वीडियो जाएगा कब मुझे ये भी नहीं पता, क्योंकि आजकल ना मेरा नेट नहीं चल रहा है, पता नहीं जियो सिम में क्या दिक्कत हो रखा है। कस्टमर केयर वालों से भी बात करी थी, तो उन्होंने बोला कुछ अस्थाई प्रॉब्लम है, तो बहुत जल्द मतलब कोशिश कर रहे हैं कि ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाए, तो पता नहीं कब तक होगी ये प्रॉब्लम सोल्व। तो हमारा तो पूरा का पूरा काम अटका पड़ा है। तो ये देखिए हमारे कोफ्ते बन गए हैं, और बस अभी इसकी छोंक लगा दूंगी मैं, ये अपना टमाटर प्याज और हरी मिर्ची ये सब डाल के। तो ये देखिए पकौड़ियाँ बन गई थी, अभी मैंने कढ़ाई सेम कढ़ाई चढ़ा दी है, ऑयल थोड़ा कम कर दिया है, और हींग जीरा डाल देती हूँ पहले। और दो प्याज कद्दूकस कर ली है मैंने, मेरे पास चॉपर नहीं है, तो चॉपर भी मैं मंगवाने का सोच रही हूँ जल्दी से, कि चॉपर से ना मतलब काम थोड़ा आसान हो जाता है, अच्छे से मतलब पेस्ट वगैरह बन जाते हैं, तो इसलिए। तो अभी ये मैंने प्याज डाल दिया है इसमें, प्याज लहसुन हरी मिर्ची तीनों साथ में डाल दी हैं। और टमाटर नहीं डाला था आज मैंने, आज दही डालूंगी इसलिए मैंने आज टमाटर नहीं डाला था, ये देखिए। और इसमें कड़ी पत्ते होते ना वो भी डाल दिए हैं, जो मीठे पत्ते होते हैं नीम के, वो हमारे घर पे ही उगाए हैं वो इसलिए। और बस अभी ये मसाला भुन जाए, और इसके बाद ये मैंने इसमें लहसुन कद्दूकस किया है मतलब कूट लिया है इसमें मामजस्ते में, तो ये कूटा हुआ लहसुन का मतलब स्वाद अलग ही आता है, तो इसलिए कूट के ही डाल रही हूँ मैं। तो ये देखिए ये डाल दिया है लहसुन इसमें, प्याज थोड़ा सा सुनहरा ब्राउन हो गया था उसके बाद। और बस अभी मैंने दही में वो सारे मसाले घोल करके रखे हुए हैं, नमक मिर्ची हल्दी धनिया पाउडर सारे के सारे, तो वो डाल दूँगी और फिर लगातार चलाते जाएंगे, तो बस बन जाएगी सब्ज़ी हमारी टेस्टी सी, और सभी खा लेते हैं खुश होकर के, तो इसलिए मैंने कहा चलो यही बना देती हूँ। तो बस अभी
वो मसाला सिक रहा है और अब ये मैं डाल देती हूँ। और ये हो गए हैं बर्तन भी इकट्ठे हो ही जाते हैं काम करते हैं किचन में तब तो। बस ये देखिए मेरी सब्जी बन गई है, पकौड़ियाँ भी मैंने इसमें डाल दी हैं और यहाँ पे मेरा आटा भी लगने लग रहा है। अभी आटा लगा करके बस 2 मिनट के लिए रेस्ट पे रखूँगी आटे को, फिर मैं सेक लूँगी रोटियाँ और बस सभी को खिला देंगे, खा लेंगे और क्या। और इसके बाद फिर मैंने वीडियो बनाया नहीं था ज़्यादा, तो ये बर्तन पड़े हुए थे सिंक में चाय पानी के, तो मैंने कहा चलो इनको भी साफ कर देती हूँ साथ के साथ में, काम हो जाएगा। आटे को मैंने अभी रेस्ट पे छोड़ा है क्योंकि तुरंत आटा गूंथ के रोटी बनाते ना वो थोड़ी सी अच्छी नहीं बनती हैं, फुली फुली सी नहीं बनती हैं मतलब, और थोड़ा सा रेस्ट दे देते हैं आटे को तो फिर आटा मतलब अच्छा हो जाता है और फिर रोटियाँ भी अच्छी बन के आती हैं। तो इसलिए तो अभी ये मेरे बर्तन भी साफ़ हो गए, सब्जी भी बन गई, आटा भी लग गया, बस अभी रोटी बना लूँगी मैं फटाफट से और सभी को खिला देंगे और क्या। और आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए तो बस। और यसु बना रहा है वीडियो, अभी बच्चों के भी स्कूल चालू हो जाएंगे 5 तारीख से, तो अभी बच्चे भी स्कूल में जाया करेंगे। तो ये देखिए जी आपको वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताना कमेंट करके, ठीक है जी। और ये देखिए बाहर का एरिया मतलब मौसम कैसा हो रखा है, अभी भी पूरा मतलब ऐसा ही बना हुआ है और छांटे गिर रहे हैं, आज तो पूरा दिन ऐसा ही हो रहा है। तो ये देखिए गाइस बच्चों को, ये देखो शैतान लड़की एक दूसरी और ये तीसरा, तीनों के तीनों शैतान। और ये देख रहे हैं यहाँ पे तीन, हाँ इधर आओ इधर आओ। क्या ओ हो, अरे पटके क्या कर रहे हैं ऐसे, पटकेगी मुझे। तो चलिए जी अभी थोड़ा सा घूम के आते हैं, मिन्नू को घुमा के लाते हैं थोड़ा सा। और आपको बता मैं डॉगी के पास जाऊंगा। हाँ ये डॉगी के पास जाएगी अभी घूमने के लिए, तो चलो चले मिन्नू, रेडी है तू जाने के लिए। और ये दोनों घर पे रहेंगे, घर पे रहोगे क्या? ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। देखिए गाइस ऑन कैमरा इनकी मस्ती, सब लोग देखो मस्ती नहीं वो क्या बोलते हैं शरारत करते हैं, दोनों के दोनों लड़ाई करते हैं। और तीसरी करती है जब वो भयंकर वाली होती है, तीसरी करती है जब वो भयंकर वाली होती है, फिर तो बस कुछ मत देखो जानबूझ के करेगी। बस 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 ये देखिए लात गुस्से चालू हो गए हैं इनके, और इनकी मम्मी पता नहीं कहाँ गायब है, चाय बना रही है। ये बन रही है चाय भाई, जिसको पीनी है आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई, चाय पी लो जिसको भी पीनी है। मैं शादी पीऊंगा, पूरा टोपिया पीऊंगा मैं। अच्छा पूरा टोपिया पिएगी या चाय पिएगी? पूरा टोपिया, टोपिया पिएगी, चाय तो नहीं पिएगी ना? चाय पीऊंगा ना। अच्छा चाय पिएगी, चलो भाई चाय पी लेती है ये लड़की, चाय पी के चलेगी क्या फिर? चाय पी के बाय।